हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का व्लॉग बहुत ही खतरनाक सा होने वाला है। पता नहीं आज सीन क्या होने वाला है, मगर आज का व्लॉग जो है वो बहुत ही खतरनाक सा होने वाला है। रास्ते पे चीज़ें बहुत खतरनाक सी होने वाली है, तो आप इस व्लॉग में बने रहिएगा। अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ पेट्रोल डालने के लिए। पेट्रोल डालने के बाद चलते हैं एक खतरनाक सा ब्लॉग बनाने के लिए। तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिएगा। हंड्रेड डाल। तो गाइस, अभी फ़िलहाल पेट्रोल डाल चुका हूँ और पीछे के नंबर प्लेट भी निकाली हुई है, क्योंकि आज व्लॉग में कुछ अलग ही होने वाला है। इसके वजह से मैंने पीछे के नंबर प्लेट निकाली है। नंबर प्लेट निकाल के ही चलाते हैं, वही बेहतर होता है। चलो, हमारी एमरजेंसी लाइट लग रही है, ऑन करी है। चलते हैं एकदम से व्लॉगिंग करने के लिए। आज तो बहुत एकदम खतरनाक सा होने वाला है। पता नहीं क्यों, मगर होने वाला है बहुत ही खतरनाक। कल तो सुबह में ऐसे कट मारते वक्त गिरते गिरते बच गया। सामने एक्सेस थी और मैं साइड में से अचानक से साइड में लिया, तो आगे का टायर थोड़ा स्लिप होके, मगर गिरा नहीं, गिरते गिरते बच गया। जो मैंने कट मारते वक्त कुछ ज़्यादा ही डीप कट लिया था, उसकी वजह से थोड़ा आराम से चलाने का, और यहाँ पानी भी है तो इसकी वजह से और डर लगता है। इसकी स्थिति को देखो, बिना इंडिकेटर देते ये गाड़ी मुड़ा थी चूतिया कहीं का। अगर वो उस साइड चला जाता तो फिर हमें क्या, हम तो अपने रगर। रास्ते पे एक एक हमेशा गलती हमारी नहीं होती है कि हमने इंडिकेटर नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये नहीं दिया। एक एक बार गलती दूसरों के भी हो सकती है। अभी उसने तो राइट जाते वक्त इंडिकेटर देना था। इस चूते को देखो, एक चूता आया, दूसरा चूता भी आया। तो आप कौन से साइड जाए, राइट साइड जाए, लेफ्ट साइड जाए, इंडिकेटर हमेशा देना चाहिए, वरना कोई पीछे से तेज आके भी उसको टक्कर मारे तो गलती पीछे वाले की होगी।
हमेशा इंडिकेटर देना चाहिए, हमेशा पापा के परियों की ही गलती नहीं होती है, और ऐसे होते हैं मगरमच्छ, बाप के मगरमच्छ भी होते हैं जो ऐसे हरकतें करते हैं। इसको देखो, ओ खुशी, बड़े गाड़ी को टकरा जाएगा, खत्म। गाइस, तो अभी मैं शाम को बाहर निकल चुका हूँ व्लॉग करने के लिए, व्लॉगिंग करने के लिए। अरे कहना क्या चाहते हो? तो आज का दिन खराब है, लेकिन अभी तो मूड कुछ अच्छा है। Meanwhile, वो तो मुझे देख रहे थे, मतलब रिएक्शन होता है वो, उसके बोलते हैं रिएक्शन। तो मैं ब्लॉगिंग के लिए सिर्फ यहीं पे घूम रहा हूँ, ज़्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये गाड़ी के पेपर भी कुछ नहीं है, इसलिए ज़्यादा दूर जाने के लिए भी थोड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। अगर एक बार गाड़ी पुलिस ने पकड़ दी तो मिलने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि मैंने ये पूरा मॉडिफिकेशन किया है, गाड़ी के कागजात भी पूरे नहीं हैं, तो इसलिए गाड़ी को कहीं दूर लेकर जाने के लिए तो डर लग रहा है, तो इसकी वजह से मैं बस यहीं पास में ही
राइडिंग कर रहा हूँ अभी फिलहाल। मेरे पास लर्निंग लाइसेंस है, उसकी कोई टेंशन नहीं है, वहाँ जाके कोई लफड़ा ऐसा कोई सीन नहीं है। लर्निंग लाइसेंस है और बस सिर्फ लाइसेंस की कमी है, उसके बाद जहाँ घूमूँ कुछ नहीं है, टेंशन नहीं है, क्योंकि जो नई एक्टिवा है वो लेकर घूमने की अगर कहीं दूर जाना है तो अभी फ़िलहाल वो एक्टिवा तो शोरूम में दी हुई है, क्योंकि जब हमने ये गाड़ी है ना वैसे बाहर पार्क करके रखी थी रास्ते के साइड में, तो वहीं कोई दारू पी के आके गाड़ी को यहाँ ये साइड ये वाली साइड है ना वहीं से सीधा ठोक दी, तो उसकी वजह से गाड़ी लीक करने के लिए शोरूम में दी हुई है। तो मैं गाड़ी का जो मैंने क्लिप्स किए थे वो मैं बाद में वीडियोस में मतलब अभी ये ब्लॉग है उसमें डालूँगा, तो देख लो गाड़ी का यहाँ इस साइड है वहाँ से पूरी ठोक दी थी, पीछे के इंडिकेटर की लाइट और ब्रेक लाइट का जो गार्ड है वो लाइट है ना वो पूरी टूट गई थी, और उसका जो साइड में गार्ड है जो नई गाड़ी में गार्ड आता है देख सिल्वर वो भी पूरा डैमेज हो गया था दोनों साइड, और यहाँ पे इस साइड में राइट साइड में पूरा स्क्रैच आए हुए थे, क्योंकि उसने जब ठोकी थी तो गाड़ी यहाँ से वहाँ इस साइड में पलट गई थी, तो अभी पता नहीं है कब तक गाड़ी वापस देखने को मिलेगी। तो फिलहाल अभी वो शोरूम में है, सही उसका काम भी चल रहा है, तो देखते हैं अभी और कितना दिन इंतज़ार करना है, वो आने के बाद फिर मैं एक दिन चलूँगा कहीं अच्छी सी लोकेशन पे और व्लॉगिंग करने के लिए। तब तक आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहेगा। तो गाइस आज के व्लॉग में जो कोई नया है जल्दी से जाकर चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल पे सेट करो और आपके दोस्तों को शेयर करो, दुनिया के हर कोने को शेयर करो, मतलब दुनिया के हर कोने को शेयर करो लेकिन शेयर होना चाहिए। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? तो अभी मैं फिलहाल जा रहा हूँ फादर पा, वहीं मम्मी पापा भी वहीं पर हैं, तो मैं भी बस वहीं पर हैं जा रहा हूँ। अभी तो मैं घर में था, घर में मैं और मेरा भाई थे, तो अभी घर में बस ऐसे कुछ खास नहीं, बस ऐसे बोर हो रहे था, वो भाई अभी खेलने को जाएगा तो मैं मम्मी पापा के पास जा रहा हूँ, वहीं उधर काम चल रहा है घर का तो वो वहीं है, तो मैं भी अभी वहीं जा रहा हूँ। घर पे तो बोर होता हूँ मोबाइल लेकर, तो इसकी वजह से अभी वहीं जा रहा हूँ। ज़्यादा तेज़ नहीं जाती है और एक्सीलेटर को भी देखो इतना किया तो देखो ये पूरा बंद है, तो अभी देखो अभी किया तो गाड़ी चलती है, और ये देखो ये किया तो नहीं, तो उसकी वजह से उसका जो केबल है वो भी लीक है बोल रहा था, मैकेनिक के पास गया था मैं तो वो भी बोल रहा था कि आपका केबल भी सब कुछ लीक है, कोई पंगा या फिर लफड़ा नहीं है, सब कुछ लीक है केबल भी सब कुछ, तो उसका कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि मैं गाड़ी ज़्यादा दूर भी नहीं लेकर जाता हूँ, बस यहीं कहीं आसपास ही
ब्लॉगिंग के लिए निकलता हूँ या फिर दोस्तों के साथ कहीं घूमना है तो वहाँ जाता हूँ, और ज़्यादा दूर नहीं।